तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है आपका। तो आज ये बच्चे फिर से मुझे बोले कि एक कुएं में फिर से ग्रैंड सेड बहुत देखा गया है, तो इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे भाई ने रस्सी का प्रबंध किया है और ये रस्सी लगा दी है कुएं के अंदर और ये यहाँ पर बांध दिया गया है सेफ्टी के लिए इस पेड़ के। और अब मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करूँगा, फिर अंदर जाके दिखाऊँगा आपको। तो कुआँ ज़्यादा गहरा नहीं है, कुआँ इसमें से पहले भी मैंने एक बार रेड सैंड बोआ को रेस्क्यू किया था। तो बने रहे मेरे वीडियो में आखिर तक। तो मैं इस कुएं में उतर चुका हूँ और दिखाना चाहूँगा कि आपको कि यहाँ पर ये कबूतर के अंडे रखे हैं और शायद यहीं पे वो रेड सैंड बोआ अभी घुसा था थोड़ी देर पहले, यहीं पे छुप के बैठ गया वो। तो ये मैंने वो रस्सा बनाया था और ये ऊपर का पोर्शन भयानक सीन है ये। यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, चेक करेंगे। और यहाँ पर मुझे ये रेड सैंड बोआ दिख गया है और ये कबूतर का अंडा भी पड़ा था मेरे पास में। तो शायद मेरा गलती थी, इस पे पैर भी रख सकता था, मगर मैंने सावधानी से दोनों को बचाया, कबूतर के अंडे को बचाया और इधर रेड सैंड बोआ को भी बचाया। और अब फिर मैं इसको रेस्क्यू करूँगा। इसमें और भी कुछ हो सकता है, तो सही सलामत मैंने इसको यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया दोमोही सांप को। तो ये पता नहीं कितने दिन से इस कुएं के अंदर थी। तो मैंने उसको सही कुशल निकाल लिया है रेड सैंड बोआ को। और दिखाऊंगा कि मेरे पैर में भी काफी चोट लगी है, दिखा बेटे दिखा यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर भी चोट लगी है हाथ में यहाँ पर। और कहने का मतलब कि अपनी जान जोखिम में डालकर बस बस एक ही तो रहने दे। तो अपनी जान जोखिम में डालकर हमने इस रेड सैंड बोआ की जान बचाई है। और काफ़ी गर्मी है, आप देख सकते हैं पैर में भी काफ़ी चोट लगी है, इधर भी काफ़ी चोट लगी है पैर में। तो रस्से से मैं ऊपर आया था। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आगे आपको फिर ऐसी जानकारी मैं देता रहूँगा। तो मैंने अभी एक रेड सैंड बोआ तो मैंने अपने किसी के घर से पकड़ा था, दूसरा रेड सैंड बोआ मैंने कुएं से निकाला था। तो दोनों को मैं यहाँ पर रिलीज करने के लिए आया हूँ। तो
बड़े प्यार से मैं इनको रिलीज करता हूँ यहाँ पर, और साथियों इनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े क्योंकि लाखों करोड़ों में कुछ भी नहीं बिकती, तो मैं इनको यहाँ पर पर्यावरण में रिलीज कर रहा हूँ। तो एक रेड सैंड बोआ को मैंने इसमें और ये दूसरी रेड सैंड बोआ, तो इसको भी मैं इसी के पास में रिलीज करता हूँ। तो इनको यहाँ पर रिलीज कर दिया और ये थोड़ी देर बाद में इसमें से निकल कर अपने ये जो सरकंडे है इसमें चली जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।